फिल्मों से नदारद लेकिन पार्टीज में अक्सर नजर आने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बहुत जल्द अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ अपने रिलेशन को कर सकती हैं पब्लिक। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हाल ही में करिश्मा कपूर अपने बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ करीना और सैफ के घर एक पार्टी में स्पॉट की गई। जी हां, एक छोटा सा गेट टुगेदर था जिसमें सभी साथ में नजर आए। ये फैमिली पार्टी कुणाल खेमू और सोहा अली खान द्वारा भी अटेंड की गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द करिश्मा और संदीप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बना सकते हैं। पर इसमें देरी क्यों हो रही है? दरअसल संदीप अपने डाइवोर्स का इंतजार कर रहे हैं अपनी वाइफ अर्षिता के साथ। 2017 में संदीप और अर्षिता ने डाइवोर्स फाइल कर दिया था। फिलहाल इस डाइवोर्स के हो जाने का इंतजार है और उसके बाद संदीप तोशनीवाल और करिश्मा कपूर अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हैं। जी हां, करिश्मा का भी संजय कपूर के साथ डाइवोर्स हो चुका है। इसी तरीके से करिश्मा जो है वो संदीप तोशनीवाल को डेट कर रही है। पर अब खबरों के मुताबिक दोनों अपने रिलेशन को ऑफिशियल बना सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अक्सर दोनों साथ में स्पॉट किए जाते हैं, बात चाहे पार्टी की हो या फिर साथ में टाइम बिताने की। करिश्मा और संदीप अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक संदीप ने करिश्मा को जुहू इलाके में एक स्पेशियस अपार्टमेंट भी गिफ्ट किया है जिसमें दोनों लिव इन में रहेंगे। जहां तक बात है संदीप की, तो संदीप ने अर्षिता से डाइवोर्स लेने का फैसला किया पूरे 14 साल साथ में रहने के बाद। वहीं पर संदीप अब करिश्मा को डेट करने लगे हैं। वो एक फार्मेसी कंपनी के सीईओ हैं। जहां तक बात है संदीप और अर्षिता के डाइवोर्स की, तो कोर्ट ने आदेश दिया है संदीप को कि संदीप की दोनों बेटियों को उन्हें 3-3 करोड़ देने होंगे, वहीं पर उनकी वाइफ अर्षिता को 2 करोड़ देने होंगे और जिस लग्जूरियस अपार्टमेंट में उनकी वाइफ और बेटियां रह रही है वो उनके नाम करना होगा, जिसके लिए संदीप राजी भी हो गए हैं। तो बहुत जल्द फैसला भी आ जाने वाला है और उसके बाद संदीप और करिश्मा अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।